जी, इस वक्त हमारे साथ यूसुफ वाइसरॉय मौजूद हैं, जो कि बहुत ही सीनियर एंकर पर्सन भी हैं और इसके अलावा अपना एक खुद का बिजनेस भी जो है वो रन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज का ये जो इवेंट है, बहुत ही खूबसूरत सा इवेंट, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम यूसुफ वाइसरॉय है और मैं ट्रायंगल मार्केटिंग का सीईओ हूँ। इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट हूँ, सीनियर एंकर भी हूँ। तो आज का जो इवेंट मकसूद मेमन मोतीवाले साहब ने रखा है, वो बुक लॉन्चिंग का रखा है। लास्ट ईयर भी इनकी बुक लॉन्च हुई और माशाल्लाह बहुत पजीराई मिली इनको, तो इनका ये सेकेंड एडिशन है और आज हम इन्वाइटेड हैं। इससे लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मोटिवेशन मिलती है। अगर आप क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपकी प्रोफाइल क्या है, लोगों को मोटिवेशन मिलती है। और मेमन कम्युनिटी इस वक्त जिस तरीके से बूस्ट कर रही है और लोगों में एक इल्हाम बढ़ रहा है कि मेमन क्या है, तो उनको पता चल रहा है, हमारी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन इसको फॉलो कर रही है, मेमन लैंग्वेज को फॉलो किया जा रहा है। मेमन अब जैसे आप लोगों का चैनल है मेमन एंटरटेनमेंट और काफ़ी प्रोग्राम आप लोग लेकर आ रहे हैं, इसी तरीके से मेमन कम्युनिटी के अंदर काफ़ी सोशल मीडिया चैनल्स और चैनल्स आ गए हैं और ये एक तरक्की की राह है जिसको हम लेके चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया यूसुफ वाइसरॉय साहब। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि आप इस तरह की जो कोशिशें करते हैं, एक साथ दो दो तीन तीन काम माशाल्लाह से कर रहे हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं? देखें, कहते हैं कि कुछ हासिल करना हो तो कालीन से बाहर निकलना पड़ता है, तो हमें कारपेट से बाहर निकलना है। लोगों का नहीं सोचना है, आपकी जो जरिया माश है उसके लिए एक टाइम है, सोशल होने के लिए एक टाइम है, फैमिली के लिए एक टाइम है, आपको टाइम निकालना पड़ता है। खुद से कोई टाइम आपको नहीं देगा, या आप कोई चीज़ काम कर रहे हैं तो आपको कोई आके नहीं देगा, आपको खुद टाइम निकालना है। तो मैनेज करना पड़ता है हर चीज़ को और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कौम के लिए हम आगे निकलेंगे। सही है कि मैनेज करना पड़ता है और मैनेज करने से बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सारी मुश्किलें जो है वो आसान भी होती चली जाती है। साथ ही साथ हम मेमन एंटरटेनमेंट के चैनल से यहाँ मौजूद हैं, हमारे चैनल के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी इंटरव्यू दिया था और मैंने एक बात कही थी कि मेमन कॉम जो है वो एक ब्रांड है और उसमें एंटरटेनमेंट के हवाले से कोई चीज़ नहीं थी। हर कोई चैनल न्यूज़ के हवाले से या मीडिया अपने एक्टिविटीज़ के हवाले से कहीं क्या प्रोग्राम हो रहा है, कौन सी कम्युनिटी में हो रहा है, वो अब सोशल में गैदरिंग कर रहा है, लेकिन मेमन एंटरटेनमेंट जो है वो लोगों को, टैलेंट को लेकर आ रहा है, उनके हवाले से जो काम है, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो कॉमेडियन हों, चाहे वो एक्टर्स हों, एक्ट्रेस हों, उनको लेकर आ रहा है, प्रोग्राम कर रहा है और ये टैलेंट को निकाल रहा है और बूस्ट कर रहा है।